हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप सबको पता होगा मैं हूँ अल्मोड़ा, अपने मामा की बेटी की शादी में। तो हाँ, फिलहाल सुबह सुबह उठ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर नहाने को ही नहीं मिल रहा, बिकॉज बहुत सारे लोग आए हुए हैं ना, और बाथरूम एक है तो नहाने को ही नहीं मिल रहा। एक दो घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो फिलहाल मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कहीं और नहाने का। नीचे मामी का घर है ना, तो वहाँ चल के नहाएंगे मस्त। आज है हल्दी और मेहंदी, और आज एक और बड़ी चीज़ है जो कि है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, वो भी 25th एनिवर्सरी है। लेकिन हम शादी में तो किससे सेलिब्रेट करेंगे, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, केक वेक ले आएंगे। गाइज, अब तो सारे रिश्तेदार आ गए, बिकॉज कल शादी है ना, तो बहुत भीड़ हो गई है। पता नहीं कब नंबर आया, इससे बड़े नीचे जाके नहाता हूँ मैं तो। और मेरे को व्लॉग स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे आना पड़ रहा है, वहाँ बहुत शोर है, बहुत लोग है ना, वहाँ सारे रिलेटिव वहीं पे ही है ना। तुमने नहाया? नहा लिया? नहीं नहाया रे। नहा लिया? नहीं नहाया। ये देखो, सभी तौलिया वाले लेके खड़े। आपका नंबर आ गया? नहीं तो यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, लाइन लगा रखे हैं, यहाँ तो नंबर नहीं आएगा। तो गाइज, मेरा नहाने का जुगाड़ तो हो गया, मैं जा रहा हूँ नीचे टॉवल वॉवल लेके मस्त। यहाँ कोई नहीं है। तो भी गाइज, मैं तो मस्त नहा धो के रेडी होके आ गया हूँ। मैंने पीले कुर्ता भी डाल लिया, बिकॉज अभी हल्दी है ना, तो हल्दी के लिए सभी पीले पीले कपड़े डालेंगे। तो मैं तो रेडी हो गया सही भाई। हमारी दुल्हन भी रेडी है, येल्लो येल्लो। कुनाली भी रेडी, येल्लो येल्लो, क्यूट लग रहे हो। ओहो पीयूषी, गाइज पीयूष भी रेडी हो गया, पीला पीला, कुनाली भी पीला पीला, हल्दी के लिए रेडी तीनों भाई। बड़े मम्मी पापा की एनिवर्सरी यार, कुछ करते हैं, केक वेक लाएंगे, हल्दी के बाद केक लाएंगे। अभी मार्केट जाएंगे केक लेने। भाई क्या मस्त छोले लग रहे हैं यार। चलो भाई, अपना खाना तो आ गया, पीयूष का भी आ गया, मम्मी जी भी आ चुकी है खाने के लिए। मम्मी जी हैप्पी एनिवर्सरी। पापा जी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। पापा जी सलाद बांट रहे सबको। ये मम्मी की एनिवर्सरी की पार्टी है, छोले पूरी आज जो भी खाओगे सब मम्मी की एनिवर्सरी का। पापा जी अकेले कोने में बैठे हैं, अच्छा छाया में बैठे पापा जी। तो भाई हल्दी के लिए आ चुके हैं ऊपर, ये देखो यहाँ पे स्टेज लग गया पूरा। ये कौन है? अबे ये क्या, अबे अबे क्या कर रहे हो तुम? अरे फोन में लगे हैं। अबे कपड़े गंदे मत करो अपने। ये बच्चे बस फोन में लगे हुए हैं। फोन लो, फोन में नहीं, डांस वांस करेंगे यार, डांस वांस। गाइस, यहाँ तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है, घर के ऊपर टेंट लगता है छत पे, और इस तरह से हल्दी, इस तरह सब कुछ होता है। चलो भाई हल्दी के लिए रेडी हैं सभी, एक एक करके लगा रहे हैं, इसके बाद हमारी बारी आएगी। तो गाइस फाइनली हल्दी तो लगा दी, और मेरे को भी लगा दी, देखो। आप स्टेज के पीछे क्यों खड़े हो? गेम खेल रहे हम लोग, गेम खेल रहे हम लोग, फीफा मोबाइल। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो स्टेज के पीछे? स्टेज के आगे आओ। फाइनली हल्दी हो चुकी है, अब लबूदी को नहलाएंगे सब पानी से। हट जाओ सभी, हट जाओ। हैप्पी हल्दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमः। तो गाइस फाइनली हल्दी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं कुर्ता चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज इसे चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, मेरे को जाना है मार्केट मम्मी और पापा के लिए एनिवर्सरी केक लेने के लिए। अब एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट तो करेंगे ना, तो केक लेने चलते हैं मम्मी पापा के लिए। तो गाइस कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब चलते हैं ऊपर केक लेने के लिए। भाई एक केक लेने के लिए कितने लोग जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोग जा रहे हैं एक केक लेने के लिए। मेरी आगे वाली सीट रिजर्व है भाई। 11 लोग आएंगे ऐसी गाड़ी में? 11 लोग, चार जने पीछे, इसको गोद में ले लो एक भाई। 12 लोग बैठ गए, 12 लोग। तो गाइस गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, सभी गाड़ी से उतर चुके हैं हमारे 11 लोग। गाइज मार्केट आए थे केक लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो शॉप बंद पड़ी, आज संडे है ना, संडे को सब बंद रहता है भाई, सारी दुकानें बंद है, क्या करें, खुद ही केक बना देते हैं। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है भाई, लिटरली यहाँ पे इतनी भीड़ होती है यूजुअली। तो फाइनली गाइज केक मिल चुका है हमको, ये रहा, चलो दे दो। एनिवर्सरी का चाहिए, एनिवर्सरी का टैग दे देना, केक को अच्छे से पकड़ियो, केक गिरना नीचे, पहले उतारो। अरे आज केक आया, आगे कोई नहीं बैठेगा, क्या हो रहा है ये। चलो भाई फाइनली केक ले घर पहुंच गए हम, गाड़ियां पार्क कर दी, अब चलते हैं नीचे।
तो गाइस अब हम जा रहे हैं नीचे वाले घर में जहाँ हम बचपन में रहते थे। बचपन में हम बहुत खेलते थे ना वहाँ पे, तो वो घर टूट चुका है। अब वहीं पे जा रहे हैं, देख के आते कैसे है भाई। बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं उससे हमारी। आज लास्ट डे अपना यहाँ पे, आज लास्ट डे अपना। उस घर का टॉयलेट वहाँ पे था भाई। रात को किसी को आए तो वहाँ से यहाँ चल के जाना पड़ता था। यहाँ पे बाघ वगैरह आते हैं तो भाई बहुत डर लगता था। वहाँ पे टॉयलेट थे। चलो भाई पहले टॉयलेट ही देखेंगे हम। खंडर, ओ भाई खंडर। पीयूष यार, पीयूष याद कर उन दिनों को भाई जब बचपन में हम छोटे थे। कितनी तेज आती थी यहाँ से बहने की पानी के। कितना डरावना सा है ना। रात को तो भाई मैं आता है, मैं तो रोक लेता था। तो गाइस ये पुराने वाला घर। गाइस कल पता क्या हुआ, नीचे यहाँ पे घर है ना, इनके पास गाय थी तो बाघ आया, गाय को उठा के ले गया इनके सामने। दिन में भाई गाय को उठा के ले गया सामने से, कुछ कर भी नहीं पाया भाई। यहाँ पे देखो एक डॉग आ गया, नीचे वाले घर में रहता है ये भी। बच के रहियो भाई बाघ से, जाओ अपने घर जा, चलो अपने घर चल। तो गाइस आज हमारा लास्ट डे था यहाँ पे। कल शादी है, लेकिन शादी है रामनगर में, शादी यहाँ पे नहीं है। तो हम रामनगर जाएंगे यहाँ से। गाइस शाम के बज चुके हैं 7। और ये देखो भाई थोड़े थोड़े हमारे सब्सक्राइबर मिलने आए इतनी दूर से। भाई अंधेरा होने वाला है, ऐसे मत आया करो। अब कैसे जाओगे इतनी दूर? चले जाएंगे पैदल, आपसे मिलना है बस। फिर भी यार अंधेरे में ठीक नहीं होता ना। 9-10 बज जाएंगे घर जाते जाते। हाँ? पैदल आयो? हाँ। सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ से आए हैं उधर से। तो गाइस प्लीज इस तरह से मत किया करो, अगर आपको पता है। दिन में आओ लेकिन इस तरह से रात को मत आओ प्लीज। अभी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे से ध्यान रखना। इतनी रात को मत निकलना है, इस रात को पीयूष से मिलना है। अभी पीयूष से मिलना है अंधेरे में भी। पीयूषी, पीयूष पैदल आया, पता कितनी दूर से पैदल आए हैं। कहाँ से? वहाँ सामने पहाड़ से। पैदल छोड़ के आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। नहीं भी हम चले जाएंगे। नहीं छोड़ के आना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, आज के बाद मत करना ऐसा कभी, अंधेरे में मत आना। क्या करना है बताओ, क्या करना है? छोड़ाते ना, छोड़ाए ना, बता के नहीं आ रहे, बता के मतलब आए थे कि हम चाच मतलब सॉरी भैया से मिलने जा रहे, मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर। तुमको पता है बाघ आ रहा है यहाँ? बाघ आ रहा कल यहाँ गाय को ले गया बाघ सुबह। देखो मेरी बात सुनो, ब्लॉग में आना मिलना ना, जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है। सेफ रहोगे, सही रहोगे। गाइस ये तो पहली बार हो रहा है मेरे साथ में, इतनी रात को बच्चे आ गए इतनी दूर से, उनको छोड़ने जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे, तुमको पता है इतना अंधेरा हो गया। चलो भाई पहुंच गई गाड़ी तक। आए दिन को थी हम आपको देखने के लिए, पर वो रात हो गई, मतलब हम सुबह से ढूंढने में ही है। सुबह हम पार्क गए थे, फैमिली वाले ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। साहिल भैया थे वहाँ, साहिल भैया मिले नहीं? मिले मिले, उनके संग हमने फोटो खिंचवा ली, उस समय फोन था हमारे पास। अगर ऐसा है तो पिटेंगे, ऐसा है तो पिटोगे, पिटना पड़ेगा तुमको। दिन से गायब हो तो पिटोगे भाई। रिपोर्ट तो नहीं देती पुलिस को। अरे इतनी रात को जाते कैसे तुम वापस? भाई हम तो मार्केट पहुंच गए भाई, तुम यहां से आए हो? बाय बाय, यहां से भी ऊपर जाना है अभी? अरे पैर मत छो यार, ध्यान मेरी बात सुनो, आज के बाद मत करना, अकेले मत जाना कहीं भी, अकेले मत जाना। ओके बाय बाय। तो गाइस बच्चों को हमने छोड़ दिया उनके घर पे। तो गाइस फाइनली बच्चों को छोड़ के हम घर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं नीचे। चलो भाई पहुंच गए फिर से घर पे। मेहंदी सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, मेहंदी लगाई जा रही है दुल्हन को। आपने लगा ली मेहंदी? क्या चल रहा है बच्चों का? कुराली फाइनली मेहंदी सेरेमनी भी हो चुकी है, हाथों में मेहंदी लग गई, पैरों में मेहंदी लग गई। ये क्या कर रहे हो? ऐसे भी तो दिखावे के लिए बस कि आपने लगाई है। वाह, देखो गाइस स्कैम चल रहा है यहाँ पे। गाइज मम्मी और पापा को लेके जा रहे हैं स्टेज पे एनिवर्सरी के लिए। तो गाइज मम्मी की फिर से शादी होने वाली है।
तो गाइस लास्ट टाइम देख लो इस शादी वाले घर को, इतना सुंदर सुंदर, क्योंकि कल सुबह तो हम जा रहे हैं ना। बाय द वे आज बहुत मजा आया हल्दी में, मेहंदी में, एनिवर्सरी में। अब फिलहाल सोते हैं, बिकॉज सुबह सुबह हमको निकलना है हल्द्वानी के लिए, फिर रात को शादी है रामनगर में, तो वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे मस्त। काफी अच्छा लगा, हम 5 दिन थे पूरे अल्मोड़ा में, 5 दिन, पता नहीं चला भाई 5 दिन कैसे निकल गए। तो गाइस हमारा बिस्तर तो रेडी है, अब फिलहाल सोते हैं। तो व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जितनी भी मेहंदी आपको दिख रही है मैंने लगाई है, जितनी भी मेहंदी दिख रही है किसने लगाई है, किसने लगाई है, किसके नाम की लगाई है? सौरभ जोशी। कल किसके हाथ में शादी है? सौरभ जोशी।